देखो एबीपी सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 ते नर्मदा माई दे विच बहिंदा बहिंदा कोई तिनका किसे शिवलिंग दे उत्ते टिक जे किवें महसूस करूगा उस तरह सिद्धू तुहाडे विच आ के अज महसूस कर रहा मैं। मेरी ते औकात ही कोई नहीं, मैं तां पहला कहना साडी सब तों वड्डी संपदा, साडा सब तों वड्डा खजाना, साडी सब तों वड्डी इज्जत, साडी पग पंजाब कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता है, एक एक वर्कर है जिहड़ा मेरे मूहरे बैठा है। ते मैं जिवें अणु तो बिना परमाणु नहीं बनता, व्यक्ति बिना समाज नहीं बनता, उसे तरह बगैर वर्कर के सहयोग के कोई MLA नहीं बनता, कोई MP नहीं बनता, कोई सरकार नहीं बनती, याद रखना। बड़े शेर सुना, अब मैं भी सुनाऊ अपने कार्यकर्ता के उत्ते शेर टका के सुनाऊ। मित्रों शेर के बाद की गल, मैं कहना नवजोत सिंह सिद्धू वर्गे कई आने कई जाने लीडर समुद्र च जिवें किश्ती होंदी है ना उवें आने हैं, टुट भज जाने हैं, लेकिन कांग्रेस का वर्कर समुद्र वांग सदा रहना है। सारी कायनात परे हो जाए पर वर्कर सदा रहे। लो हुण मनप्रीत भाजी थोड़े तो सिख के एक शेर सुनाउण लगे, इन्हां वड्डे लोकां लई, वड्डे लोकां जिन्हां च आके मैं अपनी पहचान भुल जांदा। कहिंदे परखना मत परखने से कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलना हो तो थोड़ा फासला रखना, दरिया जहां समंदर में मिला दरिया नहीं रहता। मैं आज इस पंडाल दे विच एक ऐलान कर रहा हूं, सरकार आज ही बन जानी है, सरकार आज ही बन जानी है। और उस ऐलान दे नाल मैं ये कहना कि आज 5000 दे करीब, मैं आशु तो भी पूछिया, 5000 के करीब चेयरमैनियां, मार्केट कमेटियां, होर लल्ला पब्बा ये अहुदे ने, यह अहुदे ने 5000 लाओ। जड़े जड़े वर्कर काम करने वाले ने, जड़े जड़े वर्कर मैरिट वाले ने, अज 4 महीने पहला सरकार बनने तो पहला उन्होंने ऐलान कर दो, उन्होंने आश्वासन दे दो सरकार हूने बन चुकी, हूने इसे वेले बोलो सही कहना। गल जरूर की थी पर रेता आज भी 3400 ही मिलता ना।
लेकिन यह सिस्टम बनाऊ आ बिटू नाल बैठ के आशू नाल बैठ के इतने पतवंते लोगों बैठ के बनीवा कर दो सिद्धू नू जमीने पा दो अस्तीफे दू लेकिन रेता पंजाब नू बदलन दे लई कड़े कड़े फैसले लेने पैणगे। माफिया राज पंजाब दे नक्शे तो मटाना पऊगा यारो, मटाना पऊगा। जे ना मटाया तो असी मिट जांगे। वेखो जे 10 लाख का कर्जा होवे किसे दे घर दे उत्ते, 10 लाख का कर्जा होवे तो ला लू। जे 5 लाख दे घर दे उत्ते 50 लाख का कर्जा होवे ते घर दे भांडे बेच के चलाऊ। मैनू दसो फिर तुसी कर्जा लैके जिहड़ा नवां कर्जा लैंदे हो 75% वह पुराने कर्जे च जांदा ते मैनू दसो कौन लाहू 7 लाख करोड़ रुपये का कर्जा जे सॉफ्ट लोन नाल लाओ। इस करके मैं तुहानू जवाब दिंदा कि ऐसा सिस्टम प्रियंका जी और राहुल जी ने और हरीश जी ने तय किया आने वाले इस महीने के विच ऐसा सिस्टम लियाऊंगा चली बाई ना बैठ के 25 to 30 हज़ार करोड़ रुपया हर साल पंजाब के खजाने के डिगूगा। लिख लो मैंने कहा टका के मैं तुम्हें कहना। और जब तक वो आना नहीं एक ट्रेंड रिवर्स हों नहीं, और जब तक एक ट्रेंड रिवर्स हों नहीं पंजाब कंगाली के कगार के उत्ते खड़ा होगा, सिविल रेवोल्यूशन होगी। याद रखियो लोग डले मार मार के थोड़े शीशे तोड़नगे। लोग पंजाबी मंगते नहीं खुंदे, वो खूना जानते। एक कगार के उत्ते खड़ा अज पंजाब सिविल रेवोल्यूशन के कगार के उत्ते खड़ा। इनू बदलना पऊ क्योंकि नौकरियां है नहीं। जे नौकरियां होंदियां थोड़े कोल फीसां होंदियां थोड़े कोल पैसे होंगे तो 1 लाख असामी जी अच खाली पई है तुसी पहला वह भर दे। मैं थोड़ू कहना टेंके की चोट के उत्ते 1 हज़ार करोड़ रुपया अच हो तो कोई ETT का टीचर अच सड़कों के उत्ते ना हो। लाओ मैं नीवे थर पाला जो हो 3 हज़ार करोड़ रुपये सरपलस हो कोई अच सड़कों के उत्ते धरने दिता फिर। मैं थोड़ू कह रहा कि अज तुम गल करते हो इनवैसटमेंट की, तुम इनवैसटमेंट वह करते हो समिट और कहने हो भी इनवैसटमेंट आऊगी। सवाल में बदलो ये पुछो कि जड़े बंदे इतों 2000 बंदे इंडस्ट्री छड़ छड़ के चले गए, 60% इंडस्ट्री जड़ी लुधियाने की है वह बर्बाद हो गई, अभी भी बर्बाद खड़ी है, वह वापस क्यों नहीं आते। थोड़े प्लैनिंग बोर्ड का चेयरमैन, थोड़े प्लैनिंग बोर्ड का चेयरमैन अब 2000 करोड़ रुपये मध्य प्रदेश के वाले हैं क्यों? इस करके मैं ये कहना चाहना कि इस चीज़ को असं बदलेंगे और डंके की चोट के उत्ते बदलेंगे। मैं तुम्हें वचन दिना और मैं आशू को बधाई दिना, बिट्टू को बधाई दिना, इतने जिन्हें MLA खड़े हैं उन्होंने बधाई दिना। मैं सर्वे देखे हैं, 5-5 सर्वे कराए हैं तो 5-5 सर्वे देखे हैं, सब तो वध सीटा अज अगर पंजाब दे विच कोई जित रहा तो लुधियाना जित रहा। लुधियाना कोई शक नहीं। और थोड़ा मैं होर बधाई दे देना
जे नवजोत सिंह सिद्धू सब कुछ सदा प्रधान जी लैके मैं तुहानू आश्वासन दिना जिन्ना कार्यकर्ता है मेरी पगड़ा लाड़ा मैं सारिआं नूं एडजस्ट करूंगा सारिआं नूं काम दूंगा नीले समुंदर दे विच हरेक दे लई तैरन दी जगह होगी इहनूं लाल ना करो इहनूं एक दूजे नूं वड टुक ना करो एक दूजे नूं नीवा ना करो कांग्रेस नूं दुनिया च कोई नहीं हरा सकदा जे कांग्रेस आपदे आप नूं ना हरावे जे कांग्रेस आपदे आप नूं ना हरावे लीडर हरा सकदा कांग्रेस नूं पर कार्यकर्ता वर्कर कदे नहीं हरांदा वर्कर जिताउंदा वर्कर घरों कढांगे और जिताउंगे इंडस्ट्री लुधियाने की वापस ले लोगे सरदार मनमोहन सिंह ने सरदार मनमोहन सिंह ने इस इंडस्ट्री नूं कायम कीता सी कितना कायम कीता सी उन्हें बेस जिथे जिहड़ा सीगा वह रखिया वह बेस की है भाई हौजरी इत्थे सी ते इत्थे ही हौजरी बनाई ते जे स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जलंधर सी उत्थे ही स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पनपी इस करके इसे तरीके दे नाल कलस्टर बना के इनवैसटमेंटा लिया के शहर की चाहता बिजनेस चाहता शहर अमन मान चाहता शहर डरावे भी चाहता ते जिहड़े पहला मुख्यमंत्री सी और रबड़ दे गुड्डे बन के नचे मोदी दे हत्थां च नचे है ट्रस्टा करके नचे बाहां मरोड़ के नचाए बोलो नचाए कि नहीं नचाए है ते उन्हां खातर ही अज उन्हां खातर उन्हां नूं बदल के ही असीं अज चन्नी लियाए ठोको ताड़ी ठका के पंजाब दे लोगों नाल धोखा नहीं करांगा पंजाब दे लोगों नूं झूठ नहीं बोलूंगा लॉलीपॉप नहीं वंडन दूंगा पंजाब दी इकोनमी दोबारा अगर खड़ी करनी है ते पंजाब दी इकोनमी दे लई इक रोड मैप चाहिदा ते अज केजरीवाल साहब भी आ रहे हैं मैं कहना उन्हां दे हर सवाल का जवाब पंजाब मॉडल है पंजाब मॉडल और पंजाब मॉडल ठा करदा वजू जिहड़े सवाल नूं पुछू उही वजू कहिंदे सी बिजली मैं छे महीने का चीका मारदा कि टैरिफ घटा दियो टैरिफ घटाया नहीं साढ़े चीफ मिनिस्टर ने घटाया लेकिन लेकिन केजरीवाल साहब नूं पुछो तुसी किसानां नूं कि सबसिडी दिंदे हो पुछो असीं दिंदे आ 8,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की धरती के उत्ते अज तक कोई अजिहा सूबा नहीं होया जिन्हें किसानों 8,000 करोड़ रुपये सबसिडी दी ठोक के मारो ताड़ी असीं टका कोई सूबा अजिहा नहीं है मैं थोड़ा कहना कि अज हिंदुस्तान की धरती के उत्ते कोई दूजा सूबा दिखा दौ मैं दिखा दौ जरा टोटल सबसिडियां 12,000 करोड़ की दिता होंडस्ट्री वाले भी ज्योड़ी बिजली देंगे दे। बिजली दिल्ली च 12-13 रुपये है इंडस्ट्री वाले मैं कहना छाती ठोक के जिते मर्जी कर ला मेरा बहस तो पंजाब च 8 रुपये हैगी है तो चुम्मा दे जे अगली बार इनकम ना लिया के 5 रुपये ना कि सिद्धू ना ना रखियो जाओ कहो ये कादिया गल्लां करदे आ ये किहड़ा झूठ मारदे आ अगे 26 लाख नौकरी नूं क्यों करोटा लगे जे तू नोट पट के लिआएगा हैं शीला दीक्षित ने दिता राज शीला दीक्षित ने दिता समृद्ध राज वो साडी चीफ मिनिस्टर सी 3 बार दी एक समृद्ध राज एक सैल्फ सफिशिएंट राज इंडस्ट्री तगड़ी कीती हुई वो राज ते अज थोड़े कोल सब कुछ है तुसी पंजाब नूं कंपेयर करदे हो उहदे नाल पंजाब ते 7 लाख करोड़ रुपये का कर्जा है किहड़ा रोड मैप है जिहड़ा पंजाब नूं कढ़ू किहड़ा रोड मैप है मैं कहना 25 साल तो बादलां ने लुटिया माफिया राज करदा रहा रेता केबल थोड़े प्यो की जमीन है ये जिहड़ियां तारां पाईआं केबल दीआं किहदीआं ने पंजाब दीआं बसां 2 बसां सी भैड़े भैड़े यार मेरी फतो दे 2 बसां तो ठोको ठोको टका के ठोको परवाह नहीं करते 2 बसां तो 6,000 बसां कर लिया 6,000 बसां कर लिया इन्हां लोगों ने आ जिन्ने मुलाजम ने यह सड़कों दे आ गए किसानी साड़ी बेइज्जती कौन लिया सी FCI कांग्रेस कौन लिया सी PDS गरीबों नूं 67,000 गरीबों नूं सस्ता अनाज देना कांग्रेस कौन लिया सी MSP कांग्रेस कौन लिया सी फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया जिन्हों खत्म कर रहे हैं
इस करके मैं तुहानू कहना आ जी एस टी दे रिफंड ही दे दे अज भाई जी जी एस टी दे रिफंड ही दे दियो ते व्यापारी बल्ले बल्ले करूगा करूगा कि नहीं करूगा तुसीं ठोको टका के ठोको वैट दे वैट दे वैट दे रिफंड दे दियो ते व्यापारी जय जयकार करूगा क्यों सरकार दी इनकम बनानी पऊ सरकार दी इनकम बनानी पऊ ते इनकम बनू पंजाब मॉडल ये नहीं कहना बई खजाना खाली है पंजाब मॉडल ये कहना कि ऐदा भरना ऐदा ते दे दो 5000 ओदे जड़े पैसे लेके दिते गए 10-10 करोड़ 5-5 करोड़ लेके दिते गए दे दियो इन्हें कार्यकर्ता साडी पग नूं दे दियो ला जे ना इलेक्शन पहला पौंदी जिताऊं ते नाम नवजोत सिंह सिद्धू ना रखियो ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਚੰਪਾ ਕੇ 10 ਫੂਲ ਚਮੇਲੀ ਕੀ ਇੱਕ ਕਲੀ ਮੂਰਖ ਕੀ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੰਨੀ ਕੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਚੰਨੀ ਕੀ ਇੱਕ ਘੜੀ ਠੋਕੋ ਤਾੜੀ ਇਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ 4.5 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਆਪਣੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜੇ ਇਨਕਮ ਵਧਾਈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਹੈ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੱਗ ਸਮਝ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੜਿਆ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੱਚਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾ ਕਹੀ ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਭਟਕਣ ਦੇਣਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਘਰੀਸ ਕੇ ਲਿਆਉਂ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂ ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂ ਔਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊ ਤੇਰਾ 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 ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੋਲਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਔਰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਮੰਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾ ਛੁਰਲੀਆਂ ਇਹ ਛੁਰਲੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਛਿੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾਵੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਬਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਹਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਮ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਵੇ ਰੇਤੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਿਗੇ ਟ੍ਰੈਜਰ 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਬਲ ਦਾ ਪੈਸਾ ਡਿਗੇ ਟ੍ਰੈਜਰ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਹੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਇਮਾਨ ਹੈ ਇਮਾਨ ਇਮਾਨ ਤੇ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਣੂ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਤਾਕਤ 'ਤੇ ਬਣੂ ਮੋਰਲ ਅਥਾਰਟੀ 'ਤੇ ਬਣੂ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਬਣੂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਰਣ ਕੇ ਬਣਾਊ ਔਰ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਭਜਾ ਦੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਕਨਿਜ਼ਮ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਿਹਾ
सो क्यों मंदा आखिए चित जमे राजा। ओ औरतां नूं अज प्रियंका जी ने यूपी दे विच 40% दिता ते असीं वी 50% म्युनिसिपैलिटियां च दिता है। ते मैं अपने पंजाब मॉडल दे विच कहूंगा, अपने पंजाब मॉडल दे विच कहूंगा और चली नूं नाल कहूंगा। साडे जिहड़े जनरल सैकटरी साहब ने बहुत ही वधिया इंसान है, पंजाब दे चप्पे चप्पे नूं समझदे आ, पंजाब दी धड़कन नूं समझदे आ कि औरतां नूं जे उत्थे 40 मिलिया ते इत्थे 50 मिले, 100 to 50 ਲੈ ਛਾ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਐ ਕਿਵੇਂ ਛਾ ਗਿਆ? ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਾਫਾ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਛੁਪਿਆ, ਸਾਗਰ 'ਚ ਲਹਿਰਾਂ, ਫੁੱਲਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਗੰਨੇ 'ਚ ਗੁੜ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਮ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜੂੰਗਾ। ਇਹੀ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਵਾ ਦੂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਗਵਾਊ। ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂ, ਸਿੱਧੂ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੂਗਾ। ਬੋਲੇ